हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। और सुबह के बजे हैं 9, हस्बैंड चले गए हैं मार्केट, क्योंकि यहाँ कानपुर में भी लॉकडाउन है। बट जो ग्रोसरीज से जुड़े हुए आइटम हैं, उनसे जुड़े हुए शॉप्स हैं, उनको ओपन करने का ऑर्डर मिल गया है। 7 से 11 बीच की टाइमिंग है, तो वो निकल गए थे सुबह सवेरे ही अर्ली मॉर्निंग। और मैंने अब सारे अपने घर के काम निपटा लिए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे बातें भी कर लूं। और जब अपने चैनल का नाम बदल के ब्लॉग रखा है, तो थोड़ी छोटी सी ब्लॉगिंग भी कर लेती हूं। बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास इतना टाइम नहीं होगा मुझे देने के लिए। तो क्यों बना रही हूँ ब्लॉग, इसका भी उसके पीछे भी एक कहानी है। क्या है कि फ्रेंड्स, हुआ एक्चुअल में ये कि कल मेरी छत पे बंदरों ने वो उत्पात मचाया कि मेरी पूरी रूफ वाटिका का रूप ही चेंज करके रख दिया है। सब कुछ तोड़ा फोड़ा, अनार, अंगूर, खीरा, ककड़ी, ग्वार फली और बैगन, जो कुछ भी उन्हें मिला उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया है। मैं गई ऊपर, देख के बड़ा दुख हुआ। फिर क्या करती भाई, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मुझे वहाँ पे 2 बैगन दिख गए, जो किसी भी तरह से उन बंदरों की नज़र से बच गए थे। तो मैंने तोड़ लिया। मुझे लगा भाई, मेरे 2-3 महीने की कड़ी मेहनत के नतीजे हैं 2 बैगन, तो क्यों छोड़ दूँ बंदरों के लिए। उनकी नज़र से बच गए हैं, तो चलिए लेते चलते हैं। तो मैं ले आई थी, तो मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों को उन्हीं छोटे छोटे से बैगन, 2 बैगनों से मैं आपको कानपुर की स्पेशल एक चाट आइटम है वो बनाना दिखाती हूँ, और साथ में बातें भी करते जाएंगे और दिखाएंगे कि आज मेरे किचन में क्या है, किचन में तो बहुत क्या लंच में बनेगा। और इसके साथ साथ वो बैगन से बनाएंगे बैगनी, और कानपुर की बहुत फेमस चाट है और स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो और बनाते हैं अपनी बैगनी, दिखाते हैं आपको पैक करते से। तो आ गए हैं हम अपने किचन में, और यहाँ देखिए मेरे लंच की भी तैयारी है। ये देखिए, आज लंच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सादा ही बनाएंगे खाना। तो ये देखिए, मूंग की दाल बनेगी, और ये सोया बड़ी, आलू की सब्जी, चावल और रोटी। तो बहुत ही गर्मी में जितना हल्का खाओ उतना ही बेहतर। यहाँ हमने तेल चढ़ा दिया है, अपना तेल गर्म हो रहा है। और यहाँ पर देखिए बेसन तैयार है। ये इस जिस तरह से आप ब्रेड पकौड़ा और आलू की पकौड़ी और मिर्ची की पकौड़ी बनाने के लिए बेसन तैयार करते हैं, उसी तरह का बिल्कुल है, कुछ अलग नहीं है। और इस छोटे छोटे से ये देखिए बैंगन मैंने कट करके रख लिए हैं, इनको अभी हमने नमक के पानी में रखा था, अभी निकाला है। छोटे छोटे से बैंगन किसी तरह बंदरों की नज़र से बच गए थे, 2 ही थे तो मैंने निकाल लिए। मैंने सोचा चलो इनका कुछ बना लेते हैं। जब आपकी मेहनत इस तरह मिट्टी में मिलती है, दुख होता है। बंदरों ने बहुत उजाड़ किया है मेरी पूरी रूफ वाटिका को। और एक बात और भी थी कि मैं ब्लॉगिंग करते समय भी अपने मेन जो मेरी पहचान है रूफ वाटिका, उससे दूर नहीं होना चाहती थी। तो स्पेशली इसीलिए मैंने ये अपनी ही छत से लिए बैगनों का इस्तेमाल किया है, वरना जो बैगनी का टेक्सचर है जो चाट के ठेलों में आप खाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको। क्योंकि वो लंबे वाले जो बैगन है उसकी स्लाइस करके बनाते हैं वो, तो वो थोड़ा सा देखने में कुछ मिर्ची वड़ा जैसे ही नज़र आते हैं। बट हमारे पास तो हमारी छत पे गोल बैगन ही थे, तो मैंने इन्हीं का यूज किया है। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने टेरिस गार्डन से, अपनी रूफ वाटिका से किचन में कुछ बनाऊं, तो अपनी छत का ही यूज करूं, तो मैंने स्पेशली इसीलिए यूज किया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो एक काम यहाँ हमें और करना है, एक चम्मच भर के ये गर्म तेल हमें अपने स्वेटर में मिलाना है। तो इससे आपके पकौड़ों में जो क्रिस्पी बहुत बनते हैं बहुत अच्छे से। और स्पेशल इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आलू के पकौड़े के तरह आप तल सकते हैं, बट स्पेशल है इसको सर्व करने का तरीका। तो मैं पहले डाल लेती हूँ एक एक करके इस तरह से। आज बहुत
धीमी रखी है क्योंकि बहुत धीमी आँच में पकाना है हमें, तभी ये क्रिस्पी होंगे। मेरी आँच थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, अभी रुक के डालेंगे थोड़ा सा अपने लेवल पर आ जाए। बातें करते करते मैंने ध्यान नहीं दिया तो आज बहुत तेज़ हो गई थी। थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। देखिए मैंने एक एक करके सारे अपने बैंगन के स्लाइस इस तरह डिप करके बेसन में डाल दिए हैं और बहुत ही आराम से इनको पलटना है और आँच को धीमी ही रखना है क्योंकि धीमी आँच में जब आप पकाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये। तो इस तरह से धीरे से अलट पलट के मैं पका लेती हूँ। देखिए हमारी बैंगनी पक गई हैं, अब हम इनको तेल से बाहर निकाल लेते हैं और फिर दिखाएंगे कि ये खाई कैसे जाती हैं, क्योंकि इसको सर्व किया जाता, पकौड़ी की तरीके नहीं किया जाता है, इसको चाट की तरह सर्व किया जाता है। तो पहले निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ कैसे सर्व करते हैं। तो देखिए बैंगनी तैयार है। अब करना क्या है कि इस तरह से एक एक को लेना है और मीठी चटनी में बहुत अच्छे से इसको पूरा डिप करना है इस तरह से कि चटनी इसके अंदर तक चली जाए, और फिर आपको इस तरह प्लेट में अरेंज करते जाना है। इसी तरह से वो देते हैं चाट के ठेले पर। आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है कि हमें यहाँ से हल्का सा प्रेशर देना है अपने अंगूठे का ताकि ये यहाँ पे जगह बने और चटनी इसमें जा सके। तो इसलिए मैं हाथ का यूज कर रही हूँ और जनरली वो हाथ से ही ऐसे डालते हैं। इस तरह से आपको करना है। इस तरह से अरेंज कीजिए और फिर इसके ऊपर क्या डालते हैं ये भी दिखाती हूँ आपको। तो और इसके ऊपर से फिर जाएगी ढेर सारी चटनी, ये देखिए सारा मज़ा तो चटनी का ही होता है। तो ये और इसके ऊपर से कुछ भी नहीं जाता है। अब जाएगा ये मसाला, इसमें है काली मिर्च, जीरा, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, धनिया और हींग, लाल नमक और रेगुलर नमक जो हम लोग यूज करते हैं। इस तो इसको ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देखिए कानपुर स्पेशल बैंगनी तैयार है, वो भी मेरे रूफ वाटिका के बैंगन से। तो फ्रेंड्स किस किस ने खाई है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जिसने भी नहीं खाई है वो ज़रूर बना के खाइए, मज़ा आ जाएगा आपको, इस बात की गारंटी मेरी है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग मुझे बताइएगा, और कुछ कमी रह गई है तो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।